नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह एक नाव के पलट जाने से 30 बच्चे लापता हो गए। हालांकि 20 बच्चों को निकाल लिया गया है, लेकिन 10 अभी भी लापता हैं। पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार को बागमती नदी में बड़ा हादसा हो गया। स्कूली बच्चों से भरी एक नाव नदी में डूब गई। हादसा सुबह 9:30 गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीवाबाद ओपी में हुआ। नाव में 30 से ज़्यादा बच्चे सवार थे। अब तक 20 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 10 बच्चे अभी भी गायब हैं। उनको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां सुबह सुबह जो 30 बच्चे थे वो बागमती नदी में नाव से सवार होकर स्कूल जा रहे थे, लेकिन सही समय नहीं था। शायद भगवान को यही मंजूर था, नाव पलट जाती है नदी में और 30 बच्चे नदी में डूब जाते हैं। हालांकि 20 को निकाल लिया गया है, लेकिन 10 अभी भी लापता है। स्कूल जो है वो नदी के उस पार है। बच्चे रोज इसी तरह से नाव से स्कूल जा रहे थे, तभी नदी का बहाव तेज होने के चलते नाव पलट गया। गायघाट और बेनीवाबाद पुलिस के साथ SDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार SKMCH में नवनिर्मित पिकू वार्ड का उद्घाटन करने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले ये बड़ी घटना हुई है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 30 बच्चों से भरी एक नाव बागमती नदी में पलट जाती है, जिसमें से 20 बच्चों को निकाल लिया गया है, लेकिन 10 अभी भी लापता है। उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। STRF की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है। कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीणों की भारी भीड़ है। बता दें कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि रोज की तरह गुरुवार को नाव पर सवार होकर बच्चे स्कूल जा रहे थे। नाव पर 30 से ज़्यादा बच्चे थे। बहाव तेज होने की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ा और वो पलट गई। हादसे के बाद नाव सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। चीख सुनकर के ग्रामीण जब वहां पहुंचे तो देखे कि नाव पलट गई थी। नाव पलटने से 300 बच्चे डूब गए थे। हालांकि 20 को निकाल लिया गया है। 10 की तलाश अभी भी जारी है। परिजनों का हाल एकदम बेहाल हो गया है। आपको बता दें कि जिस जगह यह हादसा हुआ है, वहां के लोग कई सालों से पुल की मांग कर रहे हैं। शॉर्टकट के चक्कर में लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे भी शॉर्टकट के चक्कर में ही नाव से स्कूल आया जाया करते थे। तो बता दें कि यह बड़ी खबर है। जिस प्रकार से लापरवाही सामने आई है कि पिछले कई सालों से ग्रामीण जो है वो पुल बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुल न होने के कारण वो शॉर्टकट में नाव का इस्तेमाल करते थे। बच्चे भी प्रतिदिन नाव से स्कूल जाते थे, लेकिन आज समय सही नहीं था और ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि आगे क्या कुछ अपडेट मिलता है हम आपको बताएंगे। अभी भी 10 बच्चे लापता हैं, 10 बच्चों की तलाश जारी है। जैसे ही अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तब तक बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।